तो अगला क्वेश्चन है 74, 74 पुस्तकें एवं 106 कलमों की कुल लागत 1910 है। यानी कि अगर 74 पुस्तकें खरीदें, बुक खरीदें और 106 कलम खरीदें तो उनकी कीमत कितनी है? 1910 है। जबकि 106 पुस्तकों एवं 74 कलमों की कुल लागत 2230 है। अगर आप क्या करते हैं, 106 पुस्तकें खरीदते हैं और उसके विपरीत उल्टा कर देते हैं, मतलब क्रम देखिए आपने पलट दिया। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, क्रम पलट रहे हैं। आप देखिए पहले क्या कर रहे हैं, 74 पुस्तकें खरीद रहे थे और 106 कलमें खरीद रहे थे, उनकी कुल लागत कितनी? 1910 थी। बाद में क्या किया, क्रम पलट दिया, उल्टा कर दिया, 106 पुस्तकें खरीदी गई और 74 कलमें खरीदी गई, उनकी कुल लागत कितनी आती है? उनकी कुल लागत आती है 2230। तो आपसे पूछा गया है एक पुस्तक और एक कलम की लागत क्या है, एक पुस्तक और एक कलम की लागत क्या है। तो देखिए बच्चों, इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन अपने आप में सारी चीज़ें बयां कर देता है। कैसे बयां कर देता है, ये खुद ही कहता है भाई हम सॉल्व करे हुए रखे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको छोटा सा भाग लगाना है। समझिए इस चीज़ को कि यहाँ पर अगर उन्होंने बोला कल पुस्तक को हम पीसे और कलम को हम कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने बोला कि कितनी पुस्तकें बच्चों, तो पुस्तकों की बात करें 74 पुस्तकें, ठीक है, प्लस कलमें कितनी है बच्चों, तो कलमें खरीदी गई 106 कलमें, ठीक है, और उनकी लागत कितनी है? 1910, 1910 यानी कि 1910। अब अगर हम बात करें इसके विपरीत, अब क्रम बदल दिया उन्होंने, पलट दिया तो क्रम बदल दिया, तो यार ये क्या हो गया, ये हो गया 106 पुस्तकें हो गई और कलमें कितनी हो गई? 74 हो गई। कलमें कितनी हो गई? 74, और उनकी कीमत कितनी है? उनकी कीमत है 2230। ठीक, अब हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन करा हुआ है अपने आप में, कह रहे हैं कि भाई हमें सॉल्व में आपको कुछ नहीं करना है, एक संख्या से भाग देना है। देखिए अगर आप 74 106 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, आप यहाँ 106 और 74 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 180 आएगा। तो मतलब क्या है आपका, मतलब यहाँ पर ये है कि भाई आप जोड़ दीजिए इन इक्वेशन को, तो अगर आप जोड़ देते हैं तो ये जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये देखिए कितना हो गया, ये हो गया आपका 180 पी, यानी 180 क्या पुस्तकें, प्लस ये कितना हो जाएगा 180 कलम, और उनकी टोटल कीमत कितनी आ जाएगी? तो जीरो से जीरो जुड़ गया, 3 और 1 4 हो गया, 9 2 11 की 1 हो गया, हासिल में 1 आ गया और 2 3 4, यानी कि 4180। यानी कि आप अगर 180 पुस्तकें खरीदते हैं और 180 कलमें खरीदते हैं तो उनकी कीमत कितनी आएगी? उनकी कीमत आएगी 4140 रुपये। क्लियर, 4140 रुपये। चलिए अब ये बात आ गई, तो अब हमें पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया एक पुस्तक और एक कलम की कीमत। अगर इस पूरी इक्वेशन को आप 180 से भाग लगा दें, इसको 180 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक। इसको 180 से भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? एक। और इसको भी 180 से भाग लगाएंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा? जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए 180 से 180 कट गया एक बार, तो एक पुस्तक की कीमत, प्लस 180 से 180 कट गया तो एक कलम की कीमत कितनी आ गई? अब आपको केवल भाग देना है, तो जीरो से जीरो कट गया। अब अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास 18 का पहाड़ा हमें नहीं आता, हमने आपसे बोल दिया कि आपको 18 का पहाड़ा नहीं आता, आप भाग देने में कंफ्यूज हो रहे हैं, वैसे तो भाग बहुत आसानी से चला जाएगा, 441 आपके पास रिजल्ट आया था, उसको 18 से भाग देना है, तो 18 दूनी कितना होता है? 36 होता है, 36 होता है, कितना बचेगा? 5 बचेगा, तो ये 4 हो जाएगा, और 18 दिया कितना होता है? 54 होता है, तो देखिए पूरा कट गया, ठीक। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 23। कितना आंसर आ जाएगा? 23, यानी कि एक पुस्तक को एक कलम की कीमत 23 हो जाएगी यहाँ। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि आपको नहीं आता 18 का पहाड़ा, या हम भूल गए, पेपर में इतने नर्वस है कि हमें समझ नहीं बैठ रहा कि 18 का पहाड़ा क्या है, ठीक, और क्वेश्चन करना है, नौकरी चाहिए, इसी क्वेश्चन से आपकी नौकरी की बात है। तो आप इस चीज़ को समझिए बच्चों कि आप 18 से किस संख्या को गुणा करें कि उसके इकाई अंक आपको क्या मिल जाए? 4 मिल जाए। तो देखिए 30 के इकाई अंक क्या है? 0, और 18 का इकाई अंक क्या है? 8। तो यदि आप 8 को किससे गुणा करते हैं? 0 से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। समझ आ रही बात? क्लियर हो रही बात? चलिए यहाँ तक बात हो गई। अब अगर हम बोलें कि दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? 37। अब देखिए हमें इकाई का अंक क्या चाहिए, इकाई का अंक क्या चाहिए, ये बात हमारे पास पता है कि नहीं है? देखिए हमें आंसर की अगर बात करें तो हमें क्या चाहिए, 18 का गुणा ऐसी एक संख्या से करना है कि जिसके इकाई का अंक क्या आ जाए? 4 आ जाए। इकाई के अंकों का गुणा करने पर 4 आ जाए। भाई अगर आप 4140 को
180 से भाग देते हैं, तो जो भाग जाता है अगर उस भाग फल का हम भाजक से गुणा करें तो हमें भाज्य मिलना चाहिए ना, यानी कि हमें 4140 मिलना चाहिए ना। तो हमने जीरो से जीरो तो हटा दिया, अब हम कह रहे हैं कि 414 को यदि 18 से भाग दे रहे हैं आप, तो इनमें से कोई एक आपका आंसर है। तो हम इसका उल्टा बोल रहे हैं कि अगर ये आप ऑप्शन को उठा के और 18 से गुणा शुरू कर दें तो आपको इकाई का अंक क्या मिलना चाहिए, 4। इतनी बात समझ आ रही? अगर समझ आ रही तो देखिए, इसके 18 का इकाई का अंक 8 था, पहले ऑप्शन का 0 था, 0 और 8 का गुणा करेंगे 0 मिलेगा। तो यानी कि हमें तो क्या चाहिए था, 4। तो पहला ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो इकाई का अंक कितना है बच्चों, 7 है। तो अगर इधर इकाई का अंक 7 और यहाँ 8 है, तो 8 और 7 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 और 7 का गुणा 56 आएगा, 56 में इकाई का अंक 6 होता है, तो फिर आपका दूसरा भी ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। तीसरे ऑप्शन में अगर आए तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 5 है, कितना है, 5। तो अब आप क्या करोगे, 8 को 5 से गुणा करोगे, 8 × 5 = 40, इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0। हमें तो 4 चाहिए। तो अब ले दे के आपके पास क्या बच्चा, ले और दे के आपके पास सब डी बच्चा, वही आंसर है, वो वैसे भी आंसर आ गया था। अब देखिए आप इकाई का अंक की अगर बात करें तो यहाँ 8 है और यहाँ 3 है, तो 8 × 3 = 24, 24 में 4 आएगा इकाई का अंक, और 4 ही हमें चाहिए था, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। नहीं तो आप सीधा भाग भी दे सकते हैं, एक तरीका था जो आपको बताना जरूरी था। अगर आप भाग देने में कतराते हैं, कहीं समस्या जाती है या कोई बड़ी संख्या आ जाए, तो अभी तो ये छोटी संख्या थी, भाग आसानी से चला गया, बड़ी संख्या को चेक करने के लिए अच्छा रहेगा। किसी बड़ी संख्या में आपको 18 से भाग देना पड़ा तो इकाई के अंक से भी आप चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी बात समझ आई। तो आंसर क्या हो गया बच्चों हमारा, 23। तो हमने देखा कि एक पुस्तक और एक कलम की कीमत कितनी निकल कर आ गई, 23। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है, 2 और 2.5 के बीच में एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले समझें चीज़ों को, क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है। दो संख्याओं के बीच में एक संख्या ज्ञात करना, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। दो संख्याओं के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपसे पूछ सकते हैं क्या, दो संख्याओं के बीच में 3 संख्याएं ज्ञात करना, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि दो संख्याओं के बीच में एक संख्या ज्ञात करनी है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि अपरिमेय की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम इसकी बात भी करेंगे, हम समझेंगे कि भी परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। अभी हम केवल बात कर रहे हैं कितनी, कि दो संख्याओं के बीच में एक संख्या आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। जैसे हमने आपसे बोला कि 2 और 4, हमने आपसे बोला कि 2 और 4 के बीच में एक संख्या ज्ञात करें, तो अब आप क्या करना है, आपको तरीका क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी के बीच में आपको कितनी भी संख्याएं ज्ञात करनी हो, इनफाइनाइट संख्याएं होती हैं दो संख्याओं के बीच में, ए और बी के बीच में एक संख्या ज्ञात करना, एक संख्या ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों। तो देखिए आप, अगर आपसे पूछा कि ए और बी के बीच में एक संख्या आपको ज्ञात करनी है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप करेंगे कि a+b दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे। क्या करेंगे आप, दो संख्याओं अगर आपको दी हैं और उनके बीच में आपसे पूछा है एक संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हम अपरिमेय की बात नहीं कर रहे हैं, बार बार सुन लेना अच्छे से, अभी हम केवल अलग क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दो संख्याओं के बीच में एक संख्या ज्ञात करें या दो संख्याओं के बीच में दो संख्याएं ज्ञात करें, तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं दो संख्याओं के बीच में, ठीक। चलिए उसको भी समझेंगे। तो जैसे हमने बोला कि ए और बी दो संख्याएं, उनके बीच में आपको एक संख्या ज्ञात करनी, तो कैसे ज्ञात होती है, तो ये वो संख्या ज्ञात होती है आपकी, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए तो आपको एक संख्या मिल जाएगी। जैसे हमने आपसे बोला कि 2 और 4 के बीच में एक संख्या ज्ञात करें, तो अब आप क्या करेंगे, वो एक संख्या कैसे निकालेंगे, तो आप 2 + 4 और डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से, तो ये हो जाएगा 6 और डिवाइड कर देंगे 2 से, आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो बताइए 2 और 4 के बीच में 3 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अगर हम आपसे बोलें कि एक और दो के बीच में एक संख्या ज्ञात करें, तो अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे 1 + 2 / 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, यानी कि 1.5। तो बताइए 1.5 होता है कि नहीं, डेढ़, एक और दो के बीच में डेढ़ होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अब आप कहेंगे कि सर आप कह रहे हैं इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो इनफाइनाइट कभी नहीं पूछे जाएंगे,
आपसे दो कोई से भी पूछे जाएंगे, ठीक है, या तो एक ही पूछेंगे मोस्टली, लेकिन अगर आपसे दो भी पूछ लिए जाएं तो अभी आप निकाल सकते हैं। और इन्फाइनाइट की बात कर लें कैसे, तो अगर हम बात करें एक और दो, तो देखिए इनके बीच में इन्फाइनाइट नंबर होंगे। कैसे, एक के बाद आपके पास 1.01 हो सकता है, एक के बाद 1.001 हो सकता है, एक के बाद 1.0001 हो सकता है, बहुत सारी संख्या हो सकती है तमाम तरीके की। तो दो संख्याओं के बीच में क्या इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक। तो अभी हमने सीख लिया कि दो संख्याओं के बीच में एक संख्या ज्ञात करना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तरीका। दूसरा देखिए बच्चों, आपसे ऐसे भी पूछा जाता है, दूसरा आपसे पूछा जाता है कि दो भिन्न के बीच में एक भिन्न ज्ञात करना। ये संख्याओं की बात थी, अभी हमने चर्चा किस पर की, संख्याओं पर। अभी हमने किस पर चर्चा की कि दो संख्याओं के बीच में एक संख्या ज्ञात करना। अभी हमने किसकी बात की, संख्याओं की, किसकी, दो संख्याओं की। संख्या कितनी, संख्या दो। दो संख्याओं के बीच में एक संख्या ज्ञात करने की बात की। अब दूसरी हम जान रहे हैं भिन्न के बीच, अगर हम आपसे बोलें कि दो भिन्न के बीच में एक भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं, दो भिन्न के बीच में भिन्न कितनी, दो भिन्न, दो भिन्न के बीच में एक भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। जैसे हमने आपसे बोला कि 2/3 और 4/5 ये क्या है, भिन्न है, ये क्या है, भिन्न, इनको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। 2/3 और अगर हम बात करें 4/5 के बीच में एक भिन्न ज्ञात करिए, तो भिन्न ज्ञात करने का तरीका बिल्कुल अलग। भिन्न ज्ञात करने का तरीका क्या होता है बच्चों, देखिए आपको इनके अंश को जोड़ देना और हर को जोड़ देना है, ठीक है, अंश और हर को जोड़ देना है। तो देखिए अगर बात करें 2+4 करें और हर को हर से जोड़ दें, 3+5 करें, तो कितना हो गया, ये हो गया 6/8। 2 से कटेगा कितना होगा, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, यानी कि 3/4। अब प्रूव कर ले रहे कि भाई ये इसके बीच में है कि नहीं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4, 5 और 3, 3, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 5 × 20 = 60 हो जाएगा। 60 का आप पहली भिन्न में क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 का क्या कर दीजिए, 60 बनाना है इसको, तो आप किससे, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दूसरी हमारी क्या आई थी, इनके बीच में 3/4, तो 15 × 60 होता है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 से, ठीक है बच्चों। देखिए क्या किया हमने, हमने सबसे पहले 3, 4 और 5 का एलसीएम लिया। बहुत से तरीके हैं इसको करने के, लेकिन हम आपको एलसीएम माध्यम से बता रहे हैं। तो एलसीएम कितना है, 60। तो 60 को हमने किससे भाग दिया बच्चों, 60 को हमने भाग दिया, सबसे पहले 60 को भाग दिया हमने किससे, 3 से। कितने बार भाग जाएगा, 20 बार, 20 का गुणा अंश से 20 का गुणा हर से कर दिया, ठीक। फिर बीच वाली संख्या क्या थी, 3/4, तो 60 को भाग दिया 4 से, 15 बार भाग गया, 15 का गुणा अंश से, 15 का गुणा हर से कर दिया। फिर आगे बढ़े, तीसरी क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा भिन्न आपका 5/4, ठीक। तो 5 से भाग देंगे, कितने बार भाग जाएगा, 12 बार, तो 12 का गुणा आपने अंश से कर दिया और 12 का गुणा आपने हर से कर दिया। अब देखिए आपके नंबर चेंजेस होंगे, कैसे होंगे, तो 20 × 40, 40/ कितना हो जाएगा, 60, ये 15 × 3 = 45, 45/ कितना हो जाएगा, 60, और ये आप देखिए 12 × 4 = 48, 48/ कितना हो जाएगा, 60। अगर तीन भिन्न आपके पास हैं या तीन परिमेय संख्याएं आपके पास हैं जिनके हर कैसे हैं, समान हैं, जिनके हर कैसे हैं, समान हैं, तो हमें अगर उनका कंपैरिजन करना है तो हम क्या देखते हैं, केवल अंश देखते हैं। तो अब आप बताइए, इसका हर 60 है, इसका हर 60 है, इसका हर 60 है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्यों एलसीएम लिया, इनके हर समान बनाने के लिए। हर हमने समान बना लिया, तो देखिए इसका अंश कितना है, 40, इसका कितना है, 45, और इसका कितना है, 48। तो बताइए 40 और 48 के बीच में ही 45 आता है कि नहीं, 40 और 48 के बीच में ही 45 आता है। तो एक चीज और सीख ली, देखिए बच्चों आज हमने दो चीजें और सीख ली इस क्वेश्चन में। पहली चीज तो दो संख्याओं के बीच में एक संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़कर दो से भाग लगा देंगे। दो संख्याओं के बीच में यदि बच्चों आपको एक संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़कर दो से भाग लगा देंगे। और अगर आपको दो भिन्न के बीच में एक भिन्न ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो दो भिन्न के बीच में एक भिन्न को ज्ञात करना हो तो उनके अंश को जोड़ देंगे और उनके हर को जोड़ देंगे, बस आपको एक बीच वाली भिन्न मिल जाएगी। तो इसके अलावा भी आपसे ये पूछा जाता है और पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि दो भिन्न के बीच में एक भिन्न ज्ञात करें, तो आपके पास भिन्न आती है, तो उसको आपको इस तरीके से करना है। ये बात क्लियर। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में आपके पास शब्द आया है अपरिमेय। क्या शब्द आया है, अपरिमेय। अगर हम बात करें अपरिमेय की, तो भाई इसमें आ तो जो है वो बाद में लगा होगा,
आप कब लगाओगा? बाद में। पहले तो ये क्या होगी? परिमेय होगी। वो क्या होगी? परिमेय होगी। तो पहले हम समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। पहले हम समझेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, फिर हम समझेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक, ये दो चीज़ें और समझ लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या है। बहुत चीज़ें सीख जाएंगे आप एक ही क्वेश्चन के माध्यम से, और यही हमें करना है जिससे आगे अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें समस्या न बने। ठीक, चलिए देखिए बच्चों, बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको आप पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ क्यू की वैल्यू किसके बराबर नहीं होती? जीरो के बराबर नहीं होती। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसको आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ क्यू की वैल्यू क्या नहीं होगी बच्चों? जहाँ क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी। इतनी बात क्लियर? तो अगर इसके विपरीत अगर हम अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या क्या होगी? वो संख्या जिसको आप पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिसको आप पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्या क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये एक सिंगल सिंगल डेफिनेशन होगी दोनों की। ठीक, अब हम एक डेफिनेशन और बताते हैं। परिमेय संख्या की एक परिभाषा और होती है। हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्या की दूसरी परिभाषा की। परिमेय संख्या की दूसरी परिभाषा जो होती है कि यदि कोई डेसिमल नंबर इस प्रकार है कि उसमें दशमलव के अंकों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, और वो क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो। कैसा हो? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब पुनरावृत्ति होगी लेकिन वो दशमलव वाली संख्याएं कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। जैसे हमने बोला 1.333333 और ये तीन दिन कहाँ तक जा रहा है आपका? इनफाइनाइट तक। तो इस टाइप की जो संख्या होती है इसको हम लिखते हैं 1.3 पे बार। बार हमें ये बताता है कि ये जो तीन है वो अनंत तक रिपीट हो रहा है, मतलब ये डिवाइड जो है वो कट नहीं रहा है, बार बार तीन 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 दे रहा है। अभी कैसे आया होगा 1.333? तो अगर हम इसकी बात करें 1.33 की, तो आप किस संख्या में भाग दें 1.33 आता रहे आपका? देखिए चार में, चार में आप किससे भाग दे दीजिए? तीन से। चार बटे तीन एक परिमेय संख्या है। देखिए अगर आप चार में तीन से भाग देना शुरू करेंगे तो तीन एकम तीन, कितना बचेगा? एक। अब एक में तो भाग जाएगा नहीं, तीन से दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? दस। तीन त्रिके नौ, फिर कितना बचेगा? एक। फिर कितना होगा? तीन त्रिके नौ, फिर इस तरीके से ये दस बन जाएगा, फिर नौ, फिर वो जाता ही रहेगा। तो यानी कि चार बटे तीन का ही रूप क्या है? 1.333 या 1.3 पर बार है, 1.333 या 1.3 पर बार है। तो इस प्रकार की संख्याएं भी क्या कहलाती हैं? आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ये दशमलव के रूप में। इसके विपरीत अगर हम अपरिमेय की बात करें तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनका आप वर्गमूल नहीं ले सकते। जैसे हम बोले √5, हम बोले √7, हम बोले √6, इस तरीके की संख्याएं भी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। इसके अलावा ऐसी दशमलव वाली संख्याएं जिसमें क्या होती है? दशमलव के बाद नन रिपीटिंग होती हैं और नॉट टर्मिनेटिंग होती हैं, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होंगी, अनंत तक जाएंगी, और नॉन रिपीटिंग मतलब हम बोलें तो 1, पहले लिखा 01, फिर 001, फिर 0001। तो देखिए आप, दशमलव के बाद पहले 10 फिर 1 था, फिर 20 फिर 1 आए, मतलब दशमलव के बाद अगर 101101101 आता, मतलब इस टाइप से अगर आता 1.01010100 कहाँ तक? अनंत तक। तो ये कौन सी संख्या होती? ये होती है आपकी परिमेय संख्या। ये कौन सी होती? परिमेय संख्या। लेकिन दशमलव के बाद देखिए जो रिपीटेशन हो रहा है वो अलग तरीके से हो रहा है। कैसे हो रहा है? कि जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये सेम नहीं आ रहा है, तो रिपीटेशन अलग तरीके से हो रहा है, मतलब नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट नहीं हो रही है एक ही संख्या बार बार। तो अब और ये कहाँ तक जा रही है? ये भी अनंत तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो इस तरीके की संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो अब देखिए, हमने परिमेय अपरिमेय समझ लिया, हमने दो संख्याओं के बीच में एक संख्या निकालना सीख लिया, हमने दो भिन्न के बीच में एक भिन्न निकालना सीख लिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए तो देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2 और 2.5 के बीच एक परिमेय संख्या है, 2 और 2.5 के बीच एक परिमेय संख्या है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि 22.5 है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। ठीक, 22.5 ऑप्शन दिया है, √5, 15.5 और 10। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। अगर 10 को हम 9 ले लें, क्या ले लें? 9, तो ये 3 होता है, 3 होता है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि भाई ये तो 2 और 2.5 के ऊपर निकल गया, तो ये ऑप्शन हो सकता है कि आपका आंसर? बिल्कुल नहीं हो सकता।
तो ऑप्शन डी तो आपने हटा दिया। अब ये लिखा है 22.5, चलो 22.5 को हम कितना ले लें, हमें बोले भाई इसको 16 ले लो, तो 16 का वर्गमूल भी कितना होता है 4, तो ये क्या इसके बीच में आएगा 4, 2.5 के बीच में, तो ये ऑप्शन भी हट गया। देखिए आपको ऑप्शन कितने प्यारे दिए हैं कि अभी हम आपको जो तरीका बताने जा रहे हैं वो तरीका तो बता ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे अपरिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकालते हैं, अभी तो बात केवल इधर ही घूम रही है। ठीक, चलिए अब देखिए आप, अब अगली अगर बात करें तो ये 15 है, तो 15 को भी अगर आप 9 ले लेते हैं, कम ही ले रहे हैं, मतलब अगर 16 भी कर लीजिए, 15.5 है 16 कर लीजिए तो ये भी 4 आएगा, तो ये ऑप्शन भी हट गया, तो ले दे के क्या बचा, √5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई भाई, अगर ये 15.5 है इसको आप 16 मान लीजिए, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो 4 क्या 2 और 2.5 के बीच में होगा, 2.5 के बीच में होगा, नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि तरीका क्या रहेगा, तो तरीके पे अगर आए तो देखिए हमें 2 और 2.5 के बीच में एक अपरिमेय संख्या बतानी है। ठीक, तो हम 2 को क्या लिखेंगे, 4 का वर्गमूल, अपरिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, लेकिन ये है नहीं। 2.5 का वर्ग कितना होता है, तो ये तो है 6.25, और इसका वर्गमूल, तो अब आप बताइए कि √4 और √6.25 के बीच में इनमें से कौन सी संख्या है। √4 के बाद 5-6 तक जाना है आपको, तो क्या 22.5 आएगा, नहीं आएगा। तो देखिए आप तरीके से भी आप देखिए, पहला ऑप्शन कैंसिल, √4 के बाद √5 आएगा, फिर 6 आएगा, तो बिल्कुल है ये आंसर हो गया। 15.5 आएगा क्या, 15.5 आएगा क्या 4 और 6 के बीच में, बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, और आपका देखिए √10 भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये आपका तरीका हो गया करने का, सिंपल है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे हमने बोला कि आपके पास 3 और 4 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक, ऑप्शन अभी बताते हैं, जैसे हम 3 और 4 के बीच में ज्ञात करना है तो आप इसको 3 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9, और इसको वर्गमूल के फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि वापस वर्गमूल ले लेंगे तो 3 ही आना चाहिए ना, जो हमारा क्वेश्चन है वही बनना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसको 4 को क्या लिखेंगे, 16, इसका वर्गमूल लिख लीजिए, तो 9 और 16 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी, तो आप देखिए एक तो √10 होगी, तो ये आपके ऑप्शन में हो सकता है, एक √11 होगी, एक √12 होगी, एक √13 होगी, एक √14 होगी, और एक √15 होगी। तो इस प्रकार देखिए √9 और √16 के बीच में कितनी √10, 11, 12, 13, 14, 15 तक संख्या होंगी। अब इनमें से कोई एक आपके ऑप्शन में होगा, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि 3 और 4 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें, तो हो सकता है आपको ऑप्शन में रूट क्या लिखा हो, 11 लिखा हो। क्लियर हो रही बात, चले ये बात समझ आ गई, यहां कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। चले तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बच्चों कह रहा है कि एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले बोर्ड हैं, एक प्रदर्शनी हॉल में कितने 24 डिस्प्ले बोर्ड हैं, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। डिस्प्ले बोर्ड, जैसे हम जो स्क्रीन पर आपको पढ़ा रहे हैं, ये स्क्रीन भी क्या है, एक डिस्प्ले बोर्ड है। तो अगर हम स्क्रीन की इसकी लंबाई की बात करें और इसकी चौड़ाई की बात करें, लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई ऐसे में होती है भाई खड़े में, और लंबाई कैसे में होती है लेटे हुए में। तो अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात करें बच्चों, तो अब आप बताइए, ये बोल रहे हैं कि एक प्रदर्शनी हॉल है जिसमें कितने डिस्प्ले बोर्ड हैं, 24 डिस्प्ले बोर्ड हैं, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है, 100 मीटर लंबी एल्यूमिनियम पट्टी है, एल्यूमिनियम पट्टी मतलब लंबी एक पट्टी 100 मीटर लंबी। ठीक है, ऐसा होता ना कि हमारे पास एक डिस्प्ले बोर्ड है, चलिए ऐसे समझ लीजिए आप कि ये हमारे पास क्या बच्चों, डिस्प्ले बोर्ड है। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना, अच्छा बना लेते हैं, तो हमारे पास डिस्प्ले बोर्ड को थोड़ा सा अच्छा कर लें, हमने बोला कि हमारे पास एक डिस्प्ले बोर्ड है, तो इस तरीके का डिस्प्ले बोर्ड बना लिया। ठीक, ये हमारे पास एक डिस्प्ले बोर्ड है, डिस्प्ले मतलब जो किसी चीज़ को दिखाती है ना, डिस्प्ले बोर्ड है, कितनी है ऐसी 24 है, ऐसी कितनी डिस्प्ले बोर्ड है भाई 24 है। अब ये डिस्प्ले बोर्ड है, तो सबसे पहले बात समझ लीजिए कि डिस्प्ले बोर्ड दो तरह की हो सकती हैं, एक तो स्क्वायर शेप की, एक इसकी स्क्वायर की शेप की, वर्ग के आकार की, और एक आयत के आकार की। तो ये वाली कौन सी है, आयत के आकार की है बच्चों। ठीक, और एक कौन सी हो सकती है, वर्ग के आकार की, मतलब कहने का क्या है, जिसकी लंबाई जिसकी चौड़ाई सभी कैसी हो, बराबर हो,
और इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो तो वो आयत के आकार की होगी। तो हमने पहले क्यों आयत के आकार की बनाई, क्योंकि भाई यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक की लंबाई 101 मीटर 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 मीटर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आयत के आकार की है। तो हमने बात किया कि जो हमारे पास डिस्प्ले है आयत के आकार की, उसकी लंबाई कितनी है, तो अगर लंबाई की बात करें तो वो दिया है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 150 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर की अगर बात करें तो क्या होता है, उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, और उसमें आपको किसको प्लस कर देना है, 50 को। तो कितना हो गया, 150 रिजल्ट आ गया आपका, इक्वल टू क्या हो गया, 150 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी है डिस्प्ले की, तो ये आपके पास क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। ठीक, ये क्या हो गया आपके पास, डिस्प्ले हो गई। डिस्प्ले की लंबाई कितनी है, 150 सेंटीमीटर है, और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो कितनी है, 1 मीटर। तो चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर। तो 1 मीटर को कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ये बात तो हमें पता चल गई कि डिस्प्ले की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 150 सेंटीमीटर, एक यूनिट बना ली सेम, और चौड़ाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं कि 100 मीटर लंबी एक एल्युमिनियम पट्टी है। 100 मीटर लंबी एल्युमिनियम पट्टी का मतलब ये कि खूब लंबी सी पट्टी ऐसी एल्युमिनियम की, उसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर। कितनी है, 100 मीटर। और डिस्प्ले भी ध्यान रखना, नंबर ऑफ डिस्प्ले कितना है, नंबर ऑफ डिस्प्ले 24 है। अब ये 100 मीटर जो लंबी एल्युमिनियम की पट्टी है, जिसका उपयोग इन बोर्डों को फ्रेम करने के लिए, यानी कि जो डिस्प्ले है उनको फ्रेम करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त एल्युमिनियम की पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। फ्रेम करने का मतलब क्या है, इस पट्टी को हम इस तरीके से लगाएंगे डिस्प्ले पर, लंबाई में ऐसे लगाएंगे, फिर हम चौड़ाई में उसको ले जाएंगे, फिर हम घुमाएंगे, तो इस तरीके से क्या करना है, उस डिस्प्ले पर लगाना है। तो अगर एक डिस्प्ले पर आपको पट्टी लगानी है तो बताइए कितनी पट्टी लगानी पड़ेगी। देखिए 150 तो यहाँ लगेगी, 100 यहाँ लगेगी, 150 यहाँ लगेगी और 100 यहाँ लगेगी, मतलब आयत के परिमाप के बराबर, आयत के परिमाप के बराबर। तो अगर हम ये देखें बच्चों कि एक डिस्प्ले पर, कितने डिस्प्ले पर, एक डिस्प्ले पर अगर हम बात करें कि एक डिस्प्ले पर कितनी पट्टी की लंबाई या कितनी लंबाई की पट्टी की आवश्यकता है एक डिस्प्ले पर, तो अगर हम बात करें एक डिस्प्ले पर हमें पट्टी की लंबाई चाहिए 2L+B, यानी कि जो आयत है, जो डिस्प्ले है, उसके परिमाप के बराबर ही पट्टी लगेगी उसके डिस्प्ले की बॉर्डर पर। तो यहाँ पर बताइए लंबाई कितनी आ गई थी बच्चों, यहाँ लंबाई थी आपके पास 150 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी थी 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2, और ये कितना हो जाएगा 250। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कितना, 500 क्या सेंटीमीटर, मतलब एक पट्टी पर, एक डिस्प्ले पर कितनी पट्टी लग जाएगी, 500 सेंटीमीटर। अच्छा पट्टी कितनी है हमारे पास, तो पट्टी की बात और देख लीजिए, पट्टी है 100 मीटर, कितनी है 100 मीटर की पट्टी है जो हमें डिस्प्ले पर लगानी है, तो 100 मीटर को आप किस में बदल लीजिए, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो पट्टी है उसकी लंबाई कितनी है, 10,000 सेंटीमीटर है, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। और हमने देखा कि एक डिस्प्ले पर कितनी लंबाई की पट्टी आएगी, 500, और हमारे पास डिस्प्ले कितनी है, हमारे पास डिस्प्ले है 24, कितनी डिस्प्ले है, 24 डिस्प्ले है। तो अगर 24 डिस्प्ले पर आपको लगानी है तो कितनी पट्टी की आवश्यकता पड़ेगी, तो एक पर कितनी, 500, तो 24 पर कितनी लगेगी, 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 24 पंजे कितना होता है 120, और 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 12,000 सेंटीमीटर। तो अब हमें कितनी पट्टी की लंबाई चाहिए, हमें टोटल जो लंबाई की पट्टी चाहिए वो 12,000 सेंटीमीटर चाहिए, हमारे पास है कितनी 10,000, तो हमें कितने की कमी पड़ रही है, तो भाई माइनस कर दीजिए 10,000 को, तो कितना पड़ा 2,000 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए आंसर सेंटीमीटर में दे रहा है या मीटर में, इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे किससे, 100 से भाग लगा दीजिए, कितना हो गया 20 मीटर। यानी कि अगर मीटर में आंसर देंगे तो हमें 20 मीटर पट्टी और चाहिए, और अगर सेंटीमीटर में आंसर देंगे तो हमें 2000 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, दो तरीके से आंसर आपसे पूछ सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है। देखिए ऑप्शन में आपको दिया 20 मीटर, 120 मीटर, 10 मीटर, 4 मीटर, आंसर मीटर में है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से 10,000 की राशि उधार ली। कीर्ति नाम की कोई लड़की है भाई, उसने 7 वर्ष के लिए, 7 सालों के लिए
किस दर पर? 12% प्रतिवर्ष की दर से 10,000 रुपये की राशि उधार ली। 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कर। 7 वर्ष के बाद वो कितनी राशि वापस लौटाएगी? भाई कोई यदि आपके पास आता है, आपसे 100 रुपये उधार लेता है और आप उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगते हैं? 12% रखते हैं, तो बताइए अगर वो 1 साल बाद आपको पैसा लौटाएगा, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कितना? 12% प्रतिवर्ष। तो आप 100 रुपये पर 12 रुपये लेंगे तो मतलब 112 रुपये लौटाएगा 1 साल बाद। 2 साल की बात करें तो 1 साल में 12, 2 साल में कितना? 24, तो 124 रुपये लौटाएगा। अगर 3 साल के लिए उसने पैसा लिया होता तो 1 साल में 12, तो 3 साल के लिए कितना? 36, 3 से गुणा किया। तो आप देखिए हम क्या कर रहे हैं कि समय का उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था उससे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कीर्ति ने कितने वर्षों के लिए पैसा लिया और कितना लिया। तो रुपये तो लिए कीर्ति ने उधार कितने? 10,000 रुपये, ठीक। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितनी है? 12% है। अब 12% है और कितने साल के लिए लिया उसने? 7 साल के लिए। तो 7 साल के लिए लिया, तो हमने क्या देखा कि अगर हमने 100 रुपये किसी बंदे से उधार लिए होते और रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 12% ही होता तो 1 साल बाद की अगर बात करें तो 1 साल में कितना रुपये लौटाना पड़ता? 100 तो मूल हो गया और 100 का 12% मतलब 12, तो टोटल कितना? 112 लौटाना पड़ता कि नहीं? लेकिन अगर हम बात करें कि आपने 100 रुपये लिए लेकिन अब आप लौटा रहे कितने? 2 साल बाद, तो 2 साल बाद लौटा रहे तो मूल तो कितना? 100, लेकिन 12 दूनी कितना? 24 रुपये ब्याज लगेगा, तो आप कितना लौटाओगे? 124। यही बात हमने की कि अगर आप ये बात होती कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। कितने साल के लिए होती? 3 साल के लिए। तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 100 पर 12, तो 3 साल में कितना होता? 36, तो मूल तो कितना होता? 100 और इंटरेस्ट कितना होता? 36, यानी आप कितना लौटाते? 136 रुपये। ये आप लौटाते कि नहीं? तो इस 100 के माध्यम से आप एक चीज़ समझें कि हम क्या कर रहे हैं कि दर में समय से गुणा कर रहे हैं। जितने समय के लिए जा रहे हैं उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो दर में यदि हम समय से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ आप क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहे हैं कि दर कितनी है? दर ये 12% और कितने समय के लिए लिया गया? 7 वर्ष के लिए। तो यानी कि वो कितना लौटाएगा? वो लौटाएगा ब्याज 84%। कितना ब्याज लौटाएगा? 84%, 84% उसको ब्याज ही देना पड़ेगा केवल। मतलब अगर उसने 100 रुपये लिए तो 84 रुपये तो 7 साल में ब्याज ही चला जाएगा, समझ में आ रही बात? तो अगर ब्याज ही 84 चला जाएगा तो मतलब वो टोटल कितना लौटाएगा? वो टोटल लौटाएगा 100, तो उसका मूल था और उस पर ब्याज कितना? 84, तो वो लौटाएगा कितना? 184%। मतलब जो भी उसकी मूलधन राशि है उसका 184% यदि आप निकाल दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मूल राशि की अगर बात करें बच्चों, तो मूल राशि कितनी दी? मूल राशि कितनी ली कीर्ति ने? 10,000 रुपये की। तो अब आप क्या करिए, 10,000 का 184% निकाल दीजिए, 184% निकाल दीजिए। देखिए कितना आसान है, 10,000 कुछ मत कीजिए, 184 और बटे में क्या कर दीजिए? 100% का जब साइन हटाते हैं बटे में क्या आता है? 100, 2 जीरो से 0 कट गया। अब किसी भी संख्या को अगर आपको 100 से 10 से 1000 से गुणा करना हो तो जितने जीरो होते हैं उसमें उतने जीरो लगा दीजिए। 100 में 2 जीरो, तो इसको क्या कर दीजिए? 2 जीरो लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 184 और जीरो लगा दीजिए, यानी कि 18,400। कितने रुपये वापस लौटाएगी कीर्ति? कीर्ति लौटाएगी 18,400 रुपये वापस। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को करना है, ना कि इस तरीके से पहले हम 12% निकालें 7 से गुणा करें, उससे भी आप कर लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझिए कि 1 साल की यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो 7 साल का कितना होगा? 84%। मतलब वो 100 रुपये पे 84 रुपये ब्याज दे रही है, तो अगर 100 रुपये पे 84 दे रही है टोटल कितना लौटाएगी? 184% लौटाएगी वो मूलधन का। तो मूलधन का 184% कितना आ गया? 18,400 रुपये। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया।